प्राणों के लगन सिद्धांत के संदर्भ में हमने जो चर्चा की उसमें बताया कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में इस बात की चर्चा भी की गई कि लगान भूमि की स्थिति, भूमि के उपजाऊपन और स्वामित्व पर निर्भर करता है। कृषि कार्य जो कि समय समय पर किया गया है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है विस्तृत खेती और लगान। विस्तृत खेती वह है जिसमें कृषि परिवर्तनशील और श्रम और पूंजी स्थिर होते हैं, अर्थात श्रम और पूंजी की दी हुई मात्रा को अलग अलग कृषि के टुकड़ों पर कार्य करवाकर प्रयुक्त करके ये देखा जाता है कि कितना उत्पादन हो रहा है। इस बात की चर्चा पिछले कालांश में या पिछले पीरियड में की गई थी और उसमें हमने क्या है रेखाचित्र और तालिका के द्वारा इस बात को हमने बताया। अब आता है गहन कृषि हो गई, गहन कृषि वह कृषि व्यवस्था है, कृषि कार्य करने का वह तरीका है जिसमें भूमि के एक टुकड़े पर दिए हुए टुकड़े पर अलग अलग श्रम और पूंजी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पर देखा जाता है कि किस प्रकार उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली है वो उन देशों में प्रचलित है जहाँ पर कृषि भूमि की मात्रा सीमित है, कृषि भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो वास्तव में गहन कृषि भूमि क्या है, एक प्रारंभिक जो मात्रा है उससे हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है और उसके बाद में जो जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण धीरे धीरे उत्पादन करता जाता है और उत्पादन एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ पर उसकी लागत और उत्पादन का मूल्य दोनों एक दूसरे बराबर होते हैं, तो उस मात्रा का प्रयोग करने से हमें कोई लगान प्राप्त नहीं होता जिसे हम तालिका द्वारा
तरीका से स्पष्ट है कि गहन कृषि में सिर्फ चार मात्राओं का प्रयोग किया गया है, माना 500 रुपए की पूंजी और अलग एक 6 श्रमिक का प्रयोग करके हम भूमि के एक टुकड़े पर माना दो चार एकड़ भूमि है उस पर काम करते हैं, तो प्रारंभिक मात्रा का प्रयोग करने से 40 क्विंटल का उत्पादन होता है। फिर हम दूसरी मात्रा का प्रयोग करते हैं उसके साथ साथ तो 30 का होता है, देन थर्ड मात्रा का प्रयोग जाता है 20 का और चौथी मात्रा का 10 का। लगातार 40-50 की अंतिम मात्रा का उत्पादन और उसकी लागत और कीमत दोनों एक दूसरे के बराबर है, अतः प्रारंभिक मात्रा का चौथी मात्रा के मुकाबले 30 का लाभ होता है, दूसरी मात्रा से 20 का लाभ होता है, तीसरी मात्रा से 10 का और चौथी मात्रा से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, अतः चौथी मात्रा लगान रहित मात्रा है। इस तथ्य को हम रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं। प्रस्तुत तालिका में दिया गया है कि स्पष्ट है प्रथम मात्रा से हमें लगान प्राप्त होता है, छायांकित भाग लगान होता है, द्वितीय मात्रा से भी हमें लगान प्राप्त होता है, तृतीय मात्रा से भी हमें छायांकित भाग लगान प्राप्त होता है, चौथी मात्रा लगान रहित मात्रा है, इससे हमें कोई लगान नहीं प्राप्त होता। रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में न केवल भूमि के उपजाऊपन को आधार माना है बल्कि स्थिति के आधार पर भी कृषि कार्य करने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उसे लगान के रूप में बताया है, यानी एक लाभ के रूप में माना। देखा जाता है कि कुछ कृषि क्षेत्र, कुछ कृषि भूमि निवास स्थान के नज़दीक होती है या मंडियों के नज़दीक होती है, तो उस पर कृषि कार्य करने से उन भूमि या उन लोगों की बजाय ज़्यादा लाभ होता है जो दूरी पर स्थित होते हैं, क्योंकि उनको लाने और ले जाने की जो परिवहन लागत वो ज़्यादा आती है, तो एक प्रकार की हमें क्या है बचत प्राप्त होती है और उस बचत को भी लगाने के रूप से जाना जाए। जैसा कि माना क्या प्रकार की भूमि है, मंडी
स्थिति भी लगान को प्रभावित है।